जी सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब न्यूज़ टीवी देख रहे हैं सारे श्रोतियां जी आया नु जी। हुणे हुणे साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बारे आई वड्डी खबर, सारे पासे होगी चर्चा। खबर नु शुरू करन तो पहला जिन्हां ने चैनल नु सबसक्राइब नहीं किया वह सबसक्राइब कर लैन, ते वीडियो नु वध तो वध लाइक एंड शेयर भी कर देना, ते नाल ही जिन्हां ने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिता हुआ है, तो उसे उत्ते जाके ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। कोरोना वर्गी नामुराद बीमारी ने हर इंसान को अपने तो दूर कर दिता है। जिस समय तो ही कोरोना की उत्पत्ति हुई है उस समय तो ही बहुत सारे लोग डरते साहेट जी रहे हैं। हुण साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बारे एक वड्डी खबर सामने आई है जिस बारे सब पासे चर्चा हो रही है। देश अंदर कोरोना के बढ़ रहे केसों को देखते हुए साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह वालों मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा गया, जिस विच उन्होंने कहा कि लोगों के बचाव लिए टीकाकरण वालों वध तो वध ध्यान दे। उन्होंने पत्र विच लिखा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई साढ़े सारियां लिए एक राष्ट्रीय चुनौती है। उन्होंने कहा कि इस कोरोना कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए ने अते उन्हां दियां नौकरियां चलिया गई ने। बहुत सारे मापे अपने बच्चों तो दूर हो गए ने। विद्यक अदारियां विच एक साल तो बच्चे दाखिल नहीं हुए। अजिहे हालातों नूं मद्देनज़र रखते हुए सानू सब नूं इकट्ठे होकर इस कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी होगी। इसलिए कोरोना की रोकथाम लिए वध तो वध कीता जाना चाहिए है। बहुत सारे दादा दादी भी अपने पोते पोतियां नूं काफ़ी लंबे समय तो नहीं मिल सके। इस कोरोना के कारण परिवारिक रिश्ते दूर हो रहे हैं ते देश आर्थिक मंदी के दौर विच है ते बहुत सारे लोग गरीबी की रेखा विच आके खड़ गए ने। तुसी इस बारे की कहना चाहोगे? कमेंट सैक्शन में अपने विचार जरूर देना ते खबर नूं लास्ट तक देखा।